देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,950 नए मामले सामने आए, वहीं पर 333 लोगों ने जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,99,000 के पार। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 807 नए कोरोना केस आए सामने, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,00,000 के पार हो गया है। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। आज भी किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर बंद कर रखा है। किसान दिवस पर एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे अन्नदाता। इस दिन के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि किसान देश की प्रगति के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। आशा है कि एनडीए सरकार ठंड में आंदोलनरत किसानों की पीड़ा देखेगी और कृषि कानूनों को वापस लेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सरकार के 2 साल पूरा होने पर नागौर दौरे पर रहे। उन्होंने सरकार के 2 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान भी किया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का थर्ड ग्रेड के तबादलों पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद तबादले खुलेंगे और थर्ड ग्रेड तबादलों के लिए पॉलिसी बनाई गई है जिसे सीएम स्तर पर सौंपा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर जयपुर पीसीसी दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। 1,40,000 निवेशकों के रुपए हड़पने का आरोप है। ईडी, एसएफआईओ और सीबीआई से जांच की मांग की है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में बनाया गया है कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया। नैनवा में किसान दिवस के मौके पर किसानों ने शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया है और आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। पदमपुर में 38 जीजी के किसानों ने शाजापुर बॉर्डर पर अन्नदाताओं के लिए 50 वाटर प्रूफ टेंट सेवा की 2 गाड़ी रवाना की है। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि देश का अन्नदाता कपकपाती ठंड में आंदोलन की लड़ाई लड़ता रहेगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने युवाओं के हित को देखते हुए नागौर में सेना भर्ती की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और जिले में सेना भर्ती को वापस शुरू करने की मांग की। विधायक संदीप यादव ने भिवाड़ी नगर परिषद में बन रही सड़कों का जायजा लिया और सड़कों की गुणवत्ता में कमी और खराबी मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को लताड़ लगाई। टूडी उपखंड कार्यालय में एसडीएम गोपाल परिहार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग का आयोजन हुआ है। बाल विवाह की रोकथाम और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर जोर दिया गया। सुजानगढ़ में नियमित ट्रेन के आवागमन शुरू नहीं होने से आम जनता काफी परेशान है। कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप ने रेल मंत्रालय और चुरू सांसद से मांग की है कि रेलों का संचालन शुरू करवाया जाए। जोधपुर के लुड़ी में उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में ऑडिट राशि के रूप में जुड़कर आने वाली राशि को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है, जिसके तहत 1 सप्ताह बाद विद्युत विभाग के एएन महेश नागर ने लुड़ी बिजली घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं के बिल की जांच की। जालौर के रुडला गांव के श्यामपुरा की डाड़ी में रहने वाले जीवाराम भील सरकार की समाज सुरक्षा पेंशन से वंचित है। जीवाराम भील नेत्रहीन है और पिछले 5 साल से उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। सीएम अशोक गहलोत भले ही प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के दावे करते हुए लेकिन धरातल पर ये दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बागकोड़ा उपखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर रोड पर अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई का विरोध करते हुए सरस्वत समाज ने अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बारा के शाहबाग के मुंडा पुलिया में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब की अवैध बिक्री कर मुनाफा कमा रहे शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की और कच्ची शराब बरामद की।
जोधपुर में दंपति से बदसुलूकी का मामला सामने आया। होमगार्ड ने कार सवार दंपति को गाड़ी को रुकवाकर उनसे बदसुलूकी की और गर्भवती महिला का वीडियो बनाया। भरतपुर के नदबई में शराब के नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र गुर्जर ने हंगामा किया। शराबी कांस्टेबल ने मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। जयपुर के चौमू में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। हनुमानगढ़ के रावसर में बल्लू गांव के बस स्टैंड पर तेजाब से भरा टैंकर पलट गया, जिससे आसपास के इलाके में जहरीला धुआं फैलने लग गया। किशनगढ़ के गांधीनगर इलाके के अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्राह्मनेर पोलिया के पास तेज गति से आ रही बेकाबू ट्रक टक्कर में घुस गई और हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत।